उत्तराखंड के राजकीय शिक्षकों ने अपनी 33 मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जागरण रैली निकाली। इस दौरान आक्रोशित शिक्षकों ने कहा कि लंबित मांगों के निस्तारण के लिए उत्तराखंड सरकार को कई बार ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लंबित मांगों के निस्तारण नहीं होने की वजह से शिक्षक वर्ग में आक्रोश है। चार अगस्त को माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में शासन विभाग और राजकीय शिक्षक संगठन की एक बैठक हुई थी, जैसे हमारे 13 जनपद कार्यकारिणियों ने, दोनों मंडल कार्यकारिणियों ने प्रतिभाग किया था और संगठन का एक 33 सूत्रीय मांग पत्र था जिस पर स्वयं माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी। उस बैठक में घोषणा की थी कि 2 महीने के अंदर इन सभी का निस्तारण किया जाएगा, किंतु लगातार वार्ता के क्रम में या लगातार मैं और महामंत्री, मेरे जो पैनुली जी हैं, रमेश पैनुली जी, लगातार शासन स्तर पर, विभाग स्तर पर कई दौर की वार्ताएं हो गई हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर अभी कोई ऐसी मांग नहीं है जिस पे कोई प्रगति हमें दिखी। सरकार के सामने जैसे पहली मांग तो पदोन्नति की है, कई समय हो गया टाल मटोल सरकार कर रही है, सारे पद लगभग 2000 पद प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के खाली हैं, 3000 पद प्रवक्ता के खाली हैं, जो बहुत आराम से पदोन्नति हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। चयन पूर्व वेतन वृद्धि के मामले हैं, वेतन विसंगति के मामले हैं, 5400 राजपत्रित का मामला है।